नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पुलिस चौकी राजमागार क्षेत्र में घटित हुए अंधे प्ले की गुत्थी को सुलझाने में कोरबा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। उक्त हत्याकांड दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को घटित हुआ था। तब से लगातार कोरबा पुलिस की तीन अज्ञात आरोपी गढ़ के तलाश में लगी थी। मामले में मुख्य साजिशकर्ता सहित तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले का मुख्य आरोपी संजीव साहू भारतीय सेना में सिपाही है। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के शाम करीब 5 बजे ग्राम करमुआ चौकी राजमगार क्षेत्र में कुलदीप सिंह बंजारा पिता गया प्रसाद बंजारे को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से मार कर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस चौकी राजमगार थाना बालकों में अपराध क्रमांक 548/2021 धारा 302, 201, 34 भादवी पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। मामले की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा भोज राम पटेल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में एवं नगर पुलिस अध्यक्ष कोरबा श्री योगेश साहू के पर्यवेक्षण में विशेष टीम का गठन कर तीन टीमों को अलग अलग टास्क सौंप दिया गया था, जिसके द्वारा घटना से संबंधित सभी बिंदुओं पर लगातार पूछताछ की जा रही थी। मृतक कुलदीप बंजारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एवं शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जिसकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, जिससे विवेचना में ऐसा कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था जिससे कि अज्ञात हत्यारों का पहुंचा जा सके। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि घटना दिनांक एवं घटना के बाहर दूर से ले जाकर बातचीत किया करते थे। इस आधार पर राजकुमार बालको कोरबा शहर ऊर्जा एवं अन्य स्थानों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा की लगातार पड़ताल की गई एवं अज्ञात आरोपी के आने जाने के सभी संभावित रास्तों में रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई। इसी दौरान पता चला कि कालेश्वर द्वारा मानिकपुर मंगलदास महंत एवं चंद्रदास नामक व्यक्ति घटना दिनांक एवं घटना के पूर्व भी मृतक से आकर मिले थे। आधार पर तीनों संदेही गढ़ को हिरासत में लेकर हिकाम तमली से पूछताछ करने पर आरोपी गढ़ ने अपना अपराध स्वीकार किया और पूरे मामले का खुलासा किया, जो इस प्रकार है। आरोपी गढ़ के द्वारा बताया गया कि मृतक कुलदीप बंजारे की शादी करीब एक वर्ष पूर्व बिंदु बंजारे लड़की के साथ हुई है। आरोपी गढ़ के द्वारा बताया गया कि मृतक कुलदीप बंजारे की शादी करीब एक वर्ष पूर्व बिंदु बंजारे लड़की के साथ हुई है। आरोपी संजीव साहू उर्फ संजू साहू पिता चैनूराम साहू, जो कि सेना में सिपाही है जिसकी पोस्टिंग लद्दाख में है, वह बिंदु बंजारे से प्रेम करता था, किंतु दोनों अलग अलग जाति के होने के कारण विवाह करने से मना कर दिया गया था। इसी दौरान बिंदु बंजारे का विवाह मृतक कुलदीप बंजारे से हो गया। संजीव साहू और संजय साहू विवाह के बाद बंजारे के साथ प्रेम संबंध रखने का दबाव बनाने लगा, जिससे बिंदु बंजारे ने मना कर दिया। आरोपी संजीव संजू साहू ने मिलकर कुलदीप बंजारे को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था, किंतु बिंदु बंजारे के साथ प्रेम संबंध बना रहे और अपने मित्र बालेश्वर दास मानिकपुरी से प्लान के बारे में बताकर कुलदीप बंजारे की हत्या करने हेतु 23 लाख रुपए की सुपारी देकर सौदा तय हुआ। 2,30,000 रुपए की सुपारी देकर सौदा तय हुआ। फिर ईश्वरदास मानिकपुरी ने अपने साथ मंगलदास एवं चंद्रदास के साथ मिलकर घटना करने का प्लान बनाया। आरोपी संजीव दास साहू के द्वारा मृतक कुलदीप बंजारे के घर का फोटो एवं कुलदीप बंजारे का फोटो मोबाइल के माध्यम से भेजा गया। फिर आरोपी गढ़ मोटरसाइकिल में कुलदीप बंजारे के घर आकर से गड़ा धन खोजने के नाम पर दोस्ती की और कुलदीप बंजारे को एकांत में ले जाकर बात करने लगी। 3-4 दिनों तक बात करने के बाद दिनांक 22 अक्टूबर की शाम करीब 5 बजे तीनों आरोपी कुलदीप बंजारे के घर गड़ा धन के मामले की बात करने के बहाने ग्राम करमुहा के जंगल में ले जाकर आरोपी को चाकू से मारकर हत्या कर दी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीएनएन न्यूज।